ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया। तो भाई लोग आ चुके एक न्यू गेम प्ले के साथ वापस। अब देखो, ये वाला मैच मैंने स्टार्ट किया था भाई सोलो वर्सेस डो के साथ, क्योंकि भाई कुछ दिनों से मैच बहुत ही टफ जा रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ फैक्ट्री पे, और फैक्ट्री पे दो बंदे थे, तो हमने सोचे कि भाई जाके उन लोगों को बजाते हैं। फिर नीचे यहाँ पे एक बॉट को मारने में बिजी हो जाता है, तो मैंने सोचा था कि भाई बॉट को नहीं मारेंगे, वो दोनों यहाँ पर मैं चाल बिछाएंगे बॉट को मारने के लिए, वो लोग आएंगे तो उन लोगों को बजाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, मेरी मतलब हाथ में खुजली होने लगता है, तो मैंने बॉट को यहाँ पे मार देता हूँ। अब देखो, नीचे वाले साइड से दो बॉट अपोस पे फायर कर रहा था, और मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, क्योंकि भाई नीचे मुझे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जाल बिछा कर रखता हूँ कि बोल दोनों, तो भाई एक बंदा अगर सामने जा चुका है अभी, सो मैंने उसको बजाएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो, इसकी जो तीसरा जो बंदा था, टीममेट था, इसने मेरे को यहाँ पे स्पॉट कर देता है भाई, काफ़ी डैमेज दे देता है, बट इसको मैंने यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और इसकी जो टीममेट था भाई, उसको भनक भी नहीं लगा कि इसकी जो टीममेट है ये भाई लॉबी छोड़ के जा चुका है, मतलब दुनिया छोड़ के जा चुका है, तो इसको भी यहाँ पर बजा देते हैं। तो बहुत मिल रहा था टीम में, तो इसको भी यहाँ पे बजा देते हैं। अब देखो, यहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं थे, तो हमें करना क्या भाई, यहाँ से सीधा निकलते। अब गाड़ी लेके मैं जा ही रहा था, सामने देखा भाई एक गाड़ी पे आग लगी है, और दो बंदे, एक बंदा नॉक था, एक बंदा इससे फायर किया था इन लोगों ने अभी अभी। तो यहाँ पे इसकी जो एक टीममेट भाई नॉक था, और ये बंदा रोड पे लेट के पार करने लगता है, जिसके कारण ये बंदा यहाँ पे ठुक जाता है। तो इन दोनों को भी यहाँ पे बड़ी आराम से मार देते, और यहाँ पे एक किल के साथ मुझे एक किल फ्री मिलता है, क्योंकि एक बंदा भाई नॉक पड़ी थी। फिलहाल देखो, वहाँ से गाड़ी लेके सीधा आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने सोचा था कि भाई स्टेडियम पे जाएंगे, लेकिन ऊपर यहाँ पे ड्रॉप गिरे थे, तो हमने सोचा एक के दो बंदे तो यहाँ पे भी होंगे, तो यहाँ से गुजारते हुए जाएंगे सामने। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ, और एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है, जिसको मैं गाड़ी से उतार के ठोक देता हूँ। देखो कैसे, अब देखो मैंने इसको नॉक कर देता हूँ, लेकिन इसकी और बाकी एक टीममेट आई होप होगा। मैंने यही सोचा था कि भाई ऊपर कोई बंदा होगा, लेकिन यहाँ पे आके देखता हूँ कि भाई नहीं था बंदा कोई, तो इसको मैंने बजा देता हूँ। अब देखो, इसको बजाने के बाद मैं यहाँ से ड्रॉप को लूटा, ड्रॉप में हमें मिल चुका है क्या, ग्रोजा। सो ड्रॉप पे ग्रोजा उठा के मैं सीधा यहाँ से जाने की सोचा था, गाड़ी में बैठा। फिलहाल नीचे की साइड से, राइट साइड से मुझे दो बंदे की मतलब गन की साउंड आता है, सो मैं यहाँ पे कूद दूँ और सामने जाके देखो क्या होता है। ये बंदा मेरे को ऑलमोस्ट खा चुका था, सो यहाँ पे फाइनली मैंने इसको देख लिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इसको स्पॉट नहीं कर पाया था, दूर जो बंदा था मैंने वो उसी को स्पॉट किया था, तो उसको फायर कर रहा था। सो फाइनली देखो, यहाँ पे जब मैं इसमें वो फायर कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, और यहाँ पे एक नहीं दो बंदा था, जो मुझे आके जगह पता चलता है। तो यहाँ पर देखो इन लोगों को कैसे बजाते। अब देखो, यहाँ से मैं काफ़ी एंगल लेने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसे नहीं हो रहा था, सो मैंने सोचा कि भाई जो भी हो जाएंगे देखा जाएंगे, सो जाके ठोकते हैं, इसी से मज़ा आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, और देखो जब मैं यहाँ पे आता हूँ और गाड़ी मेरी पलट जाती है, और मेरे को एक बंदा स्पॉट होती है घर के कॉर्नर पे, बट मैंने यहाँ पे गाड़ी सीधा होने की वेट नहीं किया, मैं कूद के भागने लगा। अब देखो, यहाँ पे आके थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाता, मैंने एक नेट कर देता हूँ, क्योंकि बंदा यहीं पर था, सो शायद थोड़ा सा डैमेज हो जाएंगे, तो ज़्यादा बुलेट वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि दो बंदे थे। अब यहाँ पे आके मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, जो बंदा घर में जा चुका था ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे फ्लैश राइडर को एक कुक किया, ताकि भाई फुट स्टेप की आवाज़ ना आए, तो उसको अंधा करके मारेंगे। फिर बंदा हाँ, तो नीचे भी एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है, तो पहले इसको बजाते हैं। अब देखो, वो बंदा भी यहाँ पे कूद जाता है, तो करना पड़ेगा, तो बड़ी आसानी से इन दोनों को भी यहाँ पे बजा देते। तो भाई कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताना। सो फिलहाल इन लोगों को लूट लेते यहाँ से, और यहाँ से निकलते। अब देखो, जोन उसी साइड बना था, तो हम भी इधर ही जाने का हमें। सो यहाँ पे आते हैं, मुझे को तो कोई बंदा नहीं देखता। अब ये वाला जो मैच में खेल रहे हो, ये मेरी टीममेट की मोबाइल है, और जो मेरी फ्रेंड है, सो जब मेरे साथ खेलता है भाई अच्छा नहीं खेल पाता है, मोबाइल की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे बात करता है, पिन भी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो बंदे की कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भी उसी के फ़ोन से खेल के एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई दो दिन से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था। सो फिलहाल यहाँ पे देखो, दो बंदे थे ऊपर, सो मैंने सोचा कि भाई एक नेट कर देते, क्योंकि बंदे यहाँ पे बैठ के कैम्प करेंगे इस घर पे यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे एक नेट कर देता, और एक फ्लैश राइडर मैंने सोचा था कि भाई सीढ़ी के मुँह में मारेंगे, ताकि बंदे वहाँ पर भी कैम्प कर सकता था।
सो मैं यहाँ पे मारता हूँ, लेकिन भाई टकरा के मेरी भी मुंह के आके गिरता है। सो फाइनली देखो कैसे बजाते हैं इन दोनों को। तो फाइनली इन दोनों को भी यहाँ पे बजा चुका, ऑलमोस्ट मैंने 12 किल कर चुका था और भाई लास्ट दो ही बंदा था जिसको मारना था। तो अच्छे खासे एक वीडियो की कंटेंट बन जाएंगे और वीडियो भी बहुत ही छोटा हो रहा है आजकल, सो तुम्हें पता है। तो फिर यहाँ पे आके मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, मैं हल्का सा उसको देख पाता हूँ बट मैंने उसको इग्नोर कर देता हूँ। सो उसके बाद मैंने लूटने लगता हूँ। सो यहाँ पे आके मुझे और एक टीममेट दिखता है, सो इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। तो इसको मैंने नॉक कर दिया था, नीचे फुटस्टेप आ रहा है तो बंदा ऑलमोस्ट आ चुका था घर के अंदर। सो ये बंदा भी यहाँ पे आ जाता है और देखो कैसे बजाते इसको। और फाइनली भाई इसको भी बजा देते हैं। सो होप